हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दशना की रसोई। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल गोभी आलू की सब्जी। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने में समय भी बहुत कम लगता है और टेस्ट में तो इसके क्या कहने। अक्सर जब हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि काश ऐसी आलू गोभी हम भी बना पाते। तो चलिए आज मैं आप सबके साथ झटपट बनाना शुरू करती हूँ गोभी आलू की मजेदार सब्जी। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम फूल गोभी ली थी और इसके फूल को मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है कुछ इस तरीके से। दो मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है जिनका मैं एक पेस्ट बना लूंगी। दो टमाटर लिए हैं जिनकी हम प्यूरी बना लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च ली है। 4 मीडियम साइज के आलू हैं जिनको मैंने छील लिया है। अब एक कढ़ाई में उसमें 1/3 कप सरसों का तेल डालें और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए जो हमने गोभी के फूल काट के रखे हैं उनको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। आप गोभी के थोड़े बड़े बड़े पीस ही काटिएगा क्योंकि गोभी फ्राई होने के बाद में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और अगर आप छोटे पीस रखेंगे तो गोभी फ्राई करते समय टूट जाएगी, इसलिए आप गोभी के थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही काटिएगा। लीजिए बातों ही बातों में हमारी गोभी भी फ्राई हो चुकी है। मैं इसको अब टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। अब अपने इस बचे हुए तेल में हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। इन आलूओं को मैंने वेजेस स्टाइल में काटा है। आपने देखा होगा कि हलवाई भी इसी तरीके के आलू काटते हैं। इनको भी मैं मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लूंगी। देखिए हमारे आलू भी अब फ्राई हो चुके हैं। इनको भी मैं टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। अब जो हमारा तेल बचा था उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून तेल ही कढ़ाई में रहने दिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डालूंगी और हमने जो प्याज को ग्राइंड करके रखा था उसको डालकर अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक भून लूंगी। देखिए हमारी प्याज भी अब अच्छे से भुन चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालूंगी और इनको भी मैं 1 मिनट तक भून लूंगी। देखिए अभी अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। इस प्यूरी को भी मैं प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए अब ये प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लूंगी। देखिए इसमें से ऑयल रिलीज होने लगा है। अब मैं इसमें कुछ मसाले भी डाल देती हूँ। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी और इनको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। देखिए हमारे मसाले भी अब अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप फ्रोजन मटर डालूंगी। आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। देखिए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी मटर भी मसालों के साथ अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें 1/4 कप मलाई डालूंगी। अगर आपके पास घर की बनी मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लूंगी। हलवाई भी इस सब्जी में या तो क्रीम या मलाई का यूज करते हैं। अब मैं इसमें अपने बचे हुए कुछ मसाले और डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी डालूंगी और इसको भी मैं मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हमने जो अपने आलू फ्राई करके रखे थे उनको डालूंगी और इनको भी मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए सब्जी का रंग कितना अच्छा आया है, कर रहा है ना खाने को मन। अब यही पर मैं इसमें 4 से 5 बीच में से कटी हुई हरी मिर्ची डालूंगी और हमने जो गोभी को फ्राई करके रखा था मैं उसको भी अब इसमें डाल दूंगी और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप गोभी डालने के बाद सब्जी को चलाने की जल्दीबाजी मत करिएगा, इसको बहुत आराम आराम से अलट पलट कर लीजिएगा। देखिए हमारी गोभी, मसाले और आलू सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ढक्कन लगाकर इसको 2 मिनट के लिए पकने दूंगी।
मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। अरे वाह, देखिए कर रहा है ना इसको देखकर खाने का मन, और लग रही है ये सब्जी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क दूंगी और इसको सर्व करने के लिए मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप घर पर ही हलवाई स्टाइल गोभी आलू का मजा लीजिए, बनाइए, खाइए और खिलाइए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आती रहूँ।